हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये वीडियो, आज का जो वीडियो है वो सुबह अभी 7:30 बज रहे हैं, बल्कि ये तो 15 मिनट्स आगे है, तो अभी 7:15 ही बज रहे हैं। मंदिर की घंटियाँ आपको सुनाई दे रही होंगी, ध्यान से सुनिए, क्योंकि तो बगल में मंदिर है, आप लोगों को मालूम है, माता जी का, गणेश जी का। हमारे घर के आसपास मंदिर है, तो रोज़ हम लोग सुबह से ये घंटियाँ सुनते हैं ना, तो बहुत बहुत शांति मिलती है दोस्तों। अब आप लोग सोच रहे हो कि इतनी सुबह मैं इतनी तैयार होके कहाँ जा रही हूँ, है ना? तो ये तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और यहाँ मिष्टी देखो, अभी तो ये सो ही रही है और इन्हें हम बार बार जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मिष्टी उठ जा, हो गया मिष्टी, से गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ये मैंने अपने कपड़े निकाल लिए हैं। मैंने अपने लिए एक सूट निकाला है दोस्तों, देखो कॉटन का, सिंपल सा, और उसमें सफ़र में सही रहेगा। और ये मिष्टी के लिए कपड़े, फुल कपड़े, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। और हमने अपने लिए छोटा सा बैग भी तैयार कर लिया है। और चलिए अभी चलते हैं दूसरे कमरे में। अब इस कमरे में आप लोग देखोगे कि इतना सामान कितना रेडी होकर पड़ा हुआ है। ये देखो, ये बड़ा वाला सूटकेस और ये छोटा वाला बैग, और ये आदि, ये जो सामान है वो राधिका का है। तो आप लोग समझ ही जाओगे कि राधिका बाहर जा रही है पढ़ने के लिए। और ये रिवील मैं नहीं करूँगी कहाँ जा रही है, क्योंकि बच्चे की सेफ्टी का सवाल होता है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं करूँगी रील। लेकिन हम लोग बस अब निकल रहे हैं, और जब वहाँ पहुँचेंगे तो ब्लॉग तो नहीं कर पाएंगे अभी शूट। हाँ, वहाँ जाके देख लेंगे जैसा भी पॉसिबल होगा। मिष्टी उठ चुकी है और अपने पिट्टू को अभी मिष्टी की हालत देखने लायक है। मिष्टी ये सोच रही है कि हमें संडे को भी चैन नहीं है, क्यों मिष्टी? संडे को भी मिष्टी, अब मिष्टी को हम एक बात है, और ये कपड़ों की हालत देखो, हर घर में शायद अभी यही हालत होगी, कपड़े सूख नहीं रहे हैं। तो हालांकि ड्रायर से निकाल के डाल दिए थे, और यहाँ पंखा भी चल रहा था इस रूम में, तो मैंने सोचा रात भर में सूख जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं सूखे, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। और आज तो तेज़ बारिश का अलर्ट दिया गया है कि बारिश बहुत तेज़ होगी, तो हमें वही लग रहा है कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। पर ठीक है, अभी तो हम लोग का 1 घंटा है ट्रेन आने में, 1.5 घंटा, तो वेट कर रहे हैं जब तक दूसरे काम निपटा लें, है ना? रेडी हो रहा है, आ जाओ निकल जाओ राधिका। ठीक है, तो बस फटाफट रेडी होने के लिए मिष्टी को बोल रहे हैं सबसे पहले कि मिष्टी उठो उठो उठो। मिष्टी तो नहीं, राधिका उठ चुकी है, राधिका अपना काम कर रही है, लेकिन मैं इसे बोल रही हूँ दोस्तों, ये बोल रही हूँ मुझे नहला दो, तो मैंने कि बेटा बहुत ठंडी हो रही है। और क्या होता है मिष्टी का कि एक यदि हम नहला दें और सुबह से ऐसे सफ़र पे ले जाएं, अधिकतर टाइम मिष्टी बीमार हो जाते हैं। अच्छा, पहले ही दवाई पिला दो। हाँ। वाह 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 वाह, मिष्टी बोल रही है हमें पहले ही दवाई पिला दो। हाँ, नहीं होती है बीमार। नहीं नहीं नहीं, तो क्या होगा रास्ते में इनको फिर हवा लगेगी तो इनको फीवर आ जाएगा। तो हम अब राधिका को देखेंगे कि इनके फीवर को देखेंगे, तो मैं सही बोल रही हूँ ना कि सुबह से हम मिष्टी को इसलिए नहीं नहला रहे हैं, वहाँ जाके नहा लेना, अभी ज़रूरत नहीं है, है ना? तो दोस्तों बस मैं आज इतना ही बोलूँगी कि आज मुझे रियलाइज हुआ, आज क्या हमेशा से ही था खैर, पर आज कुछ ज़्यादा ही हो गया, कि जब मुसीबत हो या वक्त पर सिर्फ घर वाले ही साथ देते हैं और कोई साथ नहीं देता है दोस्तों, है ना? आज मेरे को लेके जाना है बाहर, तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ, है ना? राधिका को तो कोई भी नहीं है मेरे साथ में, सच बताऊँ, मुझे ही शिफ्ट करना है, मुझे ही सब कुछ करना है, क्योंकि बच्ची मेरी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। माँ बाप सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, लेकिन एज्ड हैं वो भी नहीं जा सकते, सिर्फ वो डायरेक्शन दे सकते हैं, घर में जितना बनता है वो उतनी हेल्प करा सकते हैं, जी थोड़ा पैसों से हुआ तो वो सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जाना आना, शिफ्टिंग करना, मतलब
थोड़ा बहुत ज़्यादा अभी कुछ अभी देखा नहीं है, कहाँ शिफ्ट करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें अभी कुछ भी नहीं मालूम, सब अनोन है। जाके वहाँ देखेंगे, सब करेंगे। क्या ठीक है, एक औरत क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। क्यों मिष्टी कर सकती है, जल्दी बताओ। मिष्टी ने मेहंदी लगा रखी है ना, मिष्टी दिखाए तुम्हारी मेहंदी, नहीं दिखाना मिष्टी को, मिष्टी तो रूठी रूठी दिख रही है। तो बस दोस्तों, आज ब्लॉग में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को काम बहुत है, अभी खाने के लिए भी बनाना है, तो मैं जा रही हूँ खाने के लिए बनाऊँगी, ठीक है। क्योंकि रास्ते के लिए, सफ़र के लिए कुछ रखना होगा, और फिर मैं सोच रही हूँ कौन होटल में पैसा बर्बाद करे खाने के लिए, तो घर से ही कुछ बना के ले जाते हैं। तो बस अब मैं जा रही हूँ किचन में, और ये ब्लॉग लंबा नहीं करूँगी दोस्तों मैं, है ना, यहीं पे ख़त्म करने वाली हूँ। तो जय श्री राम, फिर मिलते हैं आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। बाय बाय, ठीक है दोस्तों।